वैसे तो ये बहुत मोहब्बत के दावे करता है, पता नहीं इस चुपट कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रहा है। कहाँ हो, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ? बस तुम्हारे काम में लगा हुआ था। क्या हुआ? हाँ, हो गया तुम्हारा काम? रियली? हाँ, कैश, लैपटॉप, फोन सब कुछ छीन लाए मेरे लड़के। ग्रेट, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये बताओ कि लड़के तो रिलायबल थे ना? अरे डोंट वरी डार्लिंग, वो सब मेरे एम्प्लॉइज हैं और काम बहुत महारत से करते हैं। थैंक यू सो मच अजाद। नो थैंक्स, अपना वादा तो याद है ना? कल मिल रहे हैं ना हम। अच्छा ये बताओ वो फोन का क्या हुआ? मेरे पास उसमें से जो जितनी मेमोरी थी वो डिलीट कर देना याद से। वो सब कुछ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। और उसका नंबर भी चोरी के मोबाइल में डलवा दिया है। अब ये समझ लो वो फोन नहीं सिर्फ एक डब्बा है। अगर उसने किसी दूसरे नंबर से अपना डेटा हासिल कर लिया, आई मीन गूगल के थ्रू, कहीं कुछ नहीं है मेरी जान। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सर तोड़ कोशिश कर ले फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। वेल डन सज्जाद, बाकी शाबाशी, कल मुलाकात में लूंगा मैं। श्योर, ओके बाय। अगर खुद हिम्मत से काम नहीं लोगी तो अनुषा को कैसे संभाल पाओगी? प्लीज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि भाईचान अब हम में नहीं रहे। कल इसी वक्त इतनी खुशी खुशी बता रहे थे कि मैं अपने दूसरे फर्ज से भी सुखदोष हो गया। कह रहे थे कि अब सुकून से मर सकूंगा, जाके सायरा को बताऊंगा कि तुम्हारी दोनों बेटियों को ब्याह दिया मैंने। मुझे क्या पता था कि वो खुद ही रुखसत हो जाएंगे। उन्हें भाभी से मिलने की इतनी जल्दी है कि हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। जानती हो बहुत प्यार करता था तुमसे। हर वक्त तुम्हारी बातें करता था, कहता था कि पूरी दुनिया में मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है। जिसने अपनी सारी खुशियों को, अपने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिनों को मेरे लिए, मेरी मेरी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। अब अगर इस तरह से अपना हाल बनाकर रखोगी, इतनी अजियत पहुंचेगी उसकी रूह, ये चाहती हूं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक मेरे भाई की रूह को बहुत सुकून अता फरमाए। हमें तो फिर खुद को संभालना होगा तुम्हें। पाक कुरान खानी करो, बस यही एक चीज है जो तुम अब उसको दे सकती हो, उसकी रूह को तस्कीन दे सकती हो। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकती हैं, मैं ला देता हूँ। थैंक यू अमदान, सब है, बस तुम लोग जाओ, अब आराम करो। अगर हम दोनों चले गए तो तुम दोनों अकेले क्या करोगे? अरे हम लोग रह लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ रुके तो बेचैन और बेसुकून ही रहेंगे। दो दिन के जागे हुए हैं, आप लोग भी घर जाके आराम कीजिए। तुम कल आ जाना हमदान, छोटे मोटे काम है, दरिया वरिया, खाना वाना, बस वो देख लेना, बाकी सब ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अगेन कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। थैंक यू बाबा, मैं इंतज़ार करूँ। खाना खा लेना, एक फोन कॉल पर दूर हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।